हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सीबीएसई ने जो मटेरियल दिया है अपने वेबसाइट पे, उसमें पॉलिनोमियल चैप्टर से केसी स्टडी टू को अभी समझेंगे। ये आसन जो कि बॉडी पोस्चर होता है उसके ऊपर बेस्ड है, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इसमें बहुत प्रकार के अलग अलग पोज और पोजिशन होते हैं, रिक्लाइनिंग, स्टैंडिंग, इन्वर्टेड, ट्विस्टिंग, बैलेंसिंग पोजेज जो फिगर में दिखा हुआ है। तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ये सारे के सारे पोज जो है शो करते हैं। आपको मालूम होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आपको पूछा जाता है। तो इसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है, देखिए पैराबोला शेप का है सब, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है। तो इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। द शेप ऑफ द पोज शोन इज, तो शेप ऑफ द शोन जो है सब में जो दिखाया गया है अभी जैसे मैं बताया वो सब पैराबोला शेप में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स, अगर ओपन डाउनवर्ड्स हो जाता है तो क्या वैल्यू रहेगा ए का। तो ए का वैल्यू अगर लेस देन जीरो रहता है, अगर ए का वैल्यू लेस देन जीरो रहता है तो ओपन डाउनवर्ड होता है, और ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो रहता है तो ये ओपन अपवर्ड होता है। आगे देखते हैं। इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, इस ग्राफ में पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। तो इसका एक सिंपल फार्मूला है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा कि ग्राफ जहाँ जहाँ पे एक्स एक्सिस को काटता है, जैसे यहाँ पे दो पॉइंट पे काट रहा है, तो इसके जो जीरोस होंगे वो दो होंगे, तो इसका दो हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द टू जीरोस ऑफ द अबव सोन ग्राफ आर, दो जीरोस कौन कौन से हैं, यहाँ पे -2 और 4 है, यहाँ पे दो ग्राफ जो हैं -2 और 4 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर फाइव जो है वो बोलता है कि द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4√3x² + 5x − 2√3r, कि जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4√3x² + 5x − 2√3 के जीरोस कौन कौन से होंगे। तो इसको सॉल्व करने के पहले सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग कंपेरिजन करें तो यहाँ पे ए इक्वल टू है 4√3 और बी इक्वल टू है 5 और सी इक्वल टू है -2√3। ये है बच्चों। तो देखिए अगर इसमें ए और सी को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -4√3 × -2√3, तो 4 2 8 और -8 × √3 × √3 3, तो ये हो जाएगा -24। तो देखिए हम लोगों को ये जो 5x है उसको ऐसा स्प्लिट करना है कि प्लस करें तो +5x आए और मल्टीप्लाई करें तो -24 आए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 8 और -3। तो 8 और -3 को 8 3 = 24 होता है, अगर सम करेंगे तो +5x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा। तो इससे हम लोग मिड टर्म स्प्लिट करके इसके जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए 4√3x² + 8x − 3x − 2√3 इक्वल टू जीरोस फाइंड आउट करना है तो जीरो कर लेते हैं। अब इसमें देखिए फोर फोर जो है इसमें आपका कॉमन आ गया 4x, तो ये अंडर अंदर क्या बचा, ये √3 ये बचा √3x + 2 और इसमें −√3 कॉमन आएगा तो इसमें बच जाएगा √3x + 2 इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों में देखिए √3x + 2 कॉमन है तो हो जाएगा √3x + 2 और ये हो जाएगा 4x − √3 इक्वल टू जीरो। अब ये भी जीरो की इक्वल है, ये भी जीरो को इक्वल है, तो ये हो जाएगा √3x + 2 इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू हो जाएगा −2/√3। दूसरा इसमें देखिए ये 4x − √3 इक्वल टू जीरो है, तो ये हो जाएगा x = √3, उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो √3/4। तो इसके दो आंसर आ गए −2√3 और √3/4, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो बच्चों आशा करता हूँ मेरे इस एक्सप्लेनेशन से ये वाला वीडियो में आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा।
आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।